भारत के लिए बहादुरी से तीन सबसे खतरनाक वॉर लड़ी, यहाँ तक कि देश के सम्मान के लिए गोलियां भी खाई। एक वॉर ऐसी जीती कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। अपनी आखिरी सांसों तक जगह जगह इंडियन आर्मी के लिए काम करा और आर्मी को रिप्रेजेंट करा, लेकिन जब मृत्यु हुई तो कोई बड़ा नेता श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं आया। एक ऐसे ऑफिसर जिनके कारण देश में लाखों जानें बची, सौ किलोमीटर की टेरिटरी बची। उनके अंतिम संस्कार के वक्त सम्मान देने ना तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पहुंचे और ना ही प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। शेमफुल, ऐसे शब्द इस्तेमाल करे गए थे दूसरे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा जब सैम मानेकशॉ को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी गई। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि सैम मानेकशॉ को कांग्रेस द्वारा सही सम्मान नहीं दिया गया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही कैसे उन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को जीत दिलाई और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के नए देश में तब्दील करा, और वर्ल्ड वॉर टू में 7 गोलियां लगने के बावजूद कैसे सैम बहादुर का जीवन बच सका। ऐसे सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, और उसी के साथ हम सैम मानेकशॉ की पूरी लाइफ स्टोरी पर नजर डालेंगे, क्योंकि इनकी कहानी हमारे देश के हर बच्चे बच्चे को जाननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर के एक पारसी परिवार में हुआ। इनके पिता हॉर्मिज मानेकशॉ एक डॉक्टर थे और अमृतसर में एक बहुत बड़े क्लिनिक को चलाते थे। सैम अपने 6 भाई बहनों में 5वें बच्चे थे और इसी कारण बड़े होते हुए इन्होंने एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करनी शुरू करी जहां वो अक्सर अपने बहन भाइयों को प्रैंक करते रहते थे या फिर उनसे किसी तरह मजाक मस्ती करते रहते थे। इसी के चलते उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा ही आला तरीके से अच्छा होने लगा। सैम ने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग तो अमृतसर से ही करी, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ही हाई अचीविंग और इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, इसलिए इनको बड़ी क्लासेस पढ़ने के लिए नैनीताल के शेरवुड स्कूल भेजा गया। आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही ग्लोरियस स्कूल है और अमिताभ बच्चन भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। खैर, अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद जब सैम 15 साल के हो गए तब इन्होंने डिसाइड करा कि ये भी अपने पिता की तरह ही एक डॉक्टर बनेंगे, और इसकी पढ़ाई करने के लिए वो लंदन जाना चाहते थे जहाँ पहले ही इनके 2 भाई इंजीनियरिंग भी कर रहे थे। यही बात जब सैम ने अपने पिता से कही तो उनके पिता ने साफ मना कर दिया और कहा कि तुम अभी विदेश जाने के लिए बहुत छोटे हो। 15 साल के सैम इस बात से बड़ा नाराज हुए थे। उन्होंने फिर अमृतसर के हिंदू सभा कॉलेज में एडमिशन लिया और अगले 3 सालों तक साइंस की पढ़ाई कर ग्रेजुएशन पूरी करी। अब उनकी उम्र करीब 18 हो गई थी और अब वो अपने काम या व्यवसाय की उम्र तक आ गए थे जहां उन्हें अब कुछ काम करना शुरू करना था, और वो अभी भी अपने पिता की उस बात से बड़ा नाराज थे कि उन्होंने उनको लंदन नहीं जाने दिया। ये बात रही साल 1932 की, जब इत्तफाक से इंडियन मिलिट्री कॉलेज कमेटी ने एक मिलिट्री अकेडमी बनाई जिसके जरिए इंडियन मिलिट्री में 18 से 20 साल के जवानों की भर्ती होनी थी। इस भर्ती के लिए एक एग्जाम रखा गया और सैम मानेकशॉ ने अपने पिता से नाराजगी के चलते ये तय करा कि क्योंकि वो मुझे लंदन नहीं जाने देना चाहते, इसलिए मैं खुद अपनी मर्जी से इस एग्जाम को देने जाऊंगा। सैम ने इस एग्जाम को अटेम्प्ट करा और उनका सिलेक्शन होना तो फिर जाहिर था, क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे थे। इस एग्जाम में सेलेक्ट हुए उनके बैच के 15 कैडेट्स में से सैम मानेकशॉ की रैंक थी 6th, और कुछ इस तरह वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी आए जहां अगले 3 सालों तक इन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग करी और फिर 20 साल की उम्र में 1 फरवरी 1935 को सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर इंडियन मिलिट्री को ज्वाइन करा। यहीं से हमारे देश के सबसे महान सोल्जर सैम बहादुर का ग्लोरियस करियर शुरू हुआ। दोस्तों, आपको गौर करना होगा कि क्योंकि इस वक्त पर ब्रिटिश राज था, इसलिए मानेकशॉ को सबसे पहले ब्रिटिश रेजिमेंट 2nd बटालियन रॉयल स्कॉट्स में भर्ती करा गया। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि सैम मानेकशॉ को अपने करेज, क्विक थिंकिंग और मुश्किल परिस्थिति में सही निर्णय लेने की काबिलियत की वजह से आर्मी में बहुत जल्दी जल्दी प्रमोट किया जा रहा था। कुछ साल बीते और अब दुनिया में वर्ल्ड वॉर टू छिड़ गई थी, और क्योंकि इंडियन आर्मी ब्रिटिश राज के तले आती थी तो इंडियन आर्मी के सैनिक इस युद्ध में ब्रिटिश की तरफ से लड़े। ऐसे में एक ट्रू आर्मी मैन स्पिरिट के साथ सैम मानेकशॉ ने भी इस वॉर में अपॉइंटमेंट ली। ब्रिटिश आर्मी में क्वालिफाइड ऑफिसर्स की कमी के चलते सैम को टेम्प्रेरी कैप्टन बनाया गया और बर्मा में जापानीज आर्मी से लड़ने भेजा। उनकी कमांड में उनकी बटालियन ने एक बहुत ही मुश्किल टास्क पूरा करा जहां उन्होंने एक हिल पर अपना कब्जा बना लिया था। ऐसे में वो अपने टास्क में तो सक्सेसफुल रहे, लेकिन फिर जापानीज आर्मी की तरफ से उनकी ओर लाइट मशीन गन फायर होनी शुरू हो गई और इसी की कुछ गोलियां सैम मानेकशॉ को भी लगी। ऐसा होते ही पूरी बटालियन को एक बड़ा धक्का लगा। एकदम से उनके सिपाही उन्हें रेस्क्यू करने की तरफ दौड़ने लगे, और क्योंकि गोलियों के घाव उनके पेट पर थे तो सभी को लग रहा था कि सैम अब नहीं बच पाएंगे। ऐसे में वहां के डिविजनल कमांडर डेविड टेनेंट, जो कि सैम की बहादुरी से बहुत इंप्रेस हुए थे, वो सैम को ऑनर करने के लिए उनके पास आए और उनकी छाती पर मिलिट्री क्रॉस पिन कर दिया, जो कि ब्रिटिश आर्मी का हाईएस्ट ऑनर होता है। उन्होंने उनकी चेस्ट पर मिलिट्री क्रॉस रखा और उनसे कहा कि मिलिट्री क्रॉस सिर्फ एक जीवित इंसान को ही मिल सकता है, इसलिए तुम्हें इस मिलिट्री क्रॉस के लिए जीना होगा।
खैर समय की हकीकत यह थी कि सैम मानेकशॉ के शरीर को कुछ गोलियों ने भेद दिया था और अब सिचुएशन काफ़ी सीरियस हो गई थी। उन्हें जल्दी एक मिलिट्री हॉस्पिटल लाया गया और वहाँ के सीनियर सर्जन ने सैम का इलाज करना शुरू करा। जल्दी ही सैम होश में आए और तब सीनियर सर्जन ने सैम से पूछा कि तुम्हें हुआ क्या है, तो इसके जवाब में सैम ने कहा कि कुछ नहीं, बस एक खच्चर ने लात मार दी थी। ये सुनकर वहाँ के लोग खुद को एक छोटी हंसी हंसने से रोक नहीं सके। दोस्तों इस बात से आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैम मानेकशॉ किस तरह के व्यक्ति रहे होंगे, कि वो इतनी संगीन सिचुएशन में भी एक जोक मारने से पीछे नहीं हटते थे, और शायद उनकी यही क्वालिटी उन्हें इतनी स्ट्रेसफुल जॉब में सेन रख सकी। सर्जन ने उनके इस जवाब को सुनकर कहा कि भाई तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर को देखते हुए तो तुम्हें बचाना बेहद ज़रूरी है। फिर पूरे हॉस्पिटल स्टाफ ने उनकी सारी बुलेट्स निकाली और फॉर्चुनेटली सैम मानेकशॉ की ज़िंदगी को बचाया जा सका। वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई, उन्हें कॉमनवेल्थ फोर्सेस के हाईएस्ट ऑनर मिलिट्री क्रॉस से ऑफिशियली नवाजा गया। फिर कुछ साल बाद भारत के इंडिपेंडेंस का वक्त आया। इस वक्त तक सैम मानेकशॉ इंडियन मिलिट्री में एक सीनियर ऑफिसर बन चुके थे और 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट को लीड कर रहे थे। आर्मी में रहते हुए ही सैम मानेकशॉ की दोस्ती एक और आर्मी मैन याया खान से हुई। यही याया खान पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। तो इनका और सैम मानेकशॉ का एक किस्सा मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा, इस नाम को याद जरूर रखिएगा। भारत की इंडिपेंडेंस के वक्त के दौरान सैम मानेकशॉ की दोस्ती सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी बड़ी गहरी हो गई थी और इन दोनों की आपस में खूब जमती थी। फिर आया भारत की आज़ादी का दिन और एक तरफ जहां देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, वहीं पार्टीशन की दर्दनाक हिस्ट्री भी लिखी जा रही थी। ऐसे में ज़रूरी था कि इंडियन आर्मी सिचुएशन को कंट्रोल में ला सके और इसी वजह से सैम मानेकशॉ को यहां तैनात किया गया और कहा जाता है कि यहां उन्होंने बड़ी ही अच्छी प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स दिखाई थी, जिससे उनके कंट्रोल वाले एरिया में चीज़ें काफ़ी सहम गई थी। पार्टीशन के वक्त सैम मानेकशॉ के पास भी विकल्प था कि वो पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में क्षण भर भी नहीं सोचा और भारत में रहने का फैसला करा। वो जिस रेजिमेंट में थे वो रेजिमेंट अब पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन गई थी, इसलिए अब सैम मानेकशॉ को 8th गोरखा राइफल्स में भर्ती करा गया। और ये वही गोरखा राइफल्स है जिसके बहादुरी के किस्से देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। इसके बाद सैम मानेकशॉ कश्मीर रीजन को अटैक से बचाने के लिए वहां भी एक्टिवली काम कर रहे थे। अगले 10 सालों तक इंडियन मिलिट्री को अलग अलग तरह से सर्व करते हुए मानेकशॉ अब और ज़्यादा हाई रैंकिंग ऑफिसर बन गए थे। और 1957 में हुआ एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ जो आपको ये समझाएगा कि सैम मानेकशॉ इंडियन आर्मी के डिसिप्लिन के लिए कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट रखते थे। 1957 में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन सैम मानेकशॉ के डिवीजन को विजिट कर रहे थे और उस वक्त पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे KS थिमाया। तो डिफेंस मिनिस्टर ने मानेकशॉ से कैजुअली पूछा कि तुम अपने सीनियर KS थिमाया के बारे में क्या सोचते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मिस्टर मिनिस्टर, वो मेरे चीफ हैं और मैं उनके बारे में कोई व्यक्तित्व ओपिनियन रखूं ये सही नहीं होगा। कल को आप मेरे सबॉर्डिनेट से मेरे बारे में पूछोगे तो इससे आर्मी का डिसिप्लिन खराब होगा, कृपया ऐसे सवाल इंडियन आर्मी में आगे से किसी को ना पूछें। दोस्तों ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के कुछ पॉलिटिशियंस ने सैम मानेकशॉ जैसे देशभक्त और बहादुर ऑफिसर के करियर को खत्म करने की कोशिश करी थी। कांग्रेस पार्टी से चुने गए डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल, ये दोनों ही सैम मानेकशॉ के खिलाफ कॉन्स्पायर कर रहे थे और किसी भी तरह सैम मानेकशॉ के हाथों से आर्मी की भागडोर छीनना चाहते थे। और इसके लिए इतना गिर गए कि भारत को 1962 की चाइना वॉर में हार का सामना करना पड़ा। दरअसल कृष्णा मेनन और BM कॉल दोनों ही प्राइम मिनिस्टर नेहरू के बेहद करीबी थे और BM कॉल के लिए तो ये भी कहा जाता है कि इन्हें आर्मी में प्रमोशन सिर्फ अपने नेहरू कनेक्शंस की वजह से मिलते थे और इनके अंदर इतनी हाई रैंक होल्ड करने की कोई काबिलियत ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर मेनन सैम मानेकशॉ के आर्मी में रुतबे और जितनी रिस्पेक्ट उन्हें मिलती थी उससे खुश नहीं थे। सैम मानेकशॉ के खिलाफ कई घटिया चार्जेस लगाए गए, जैसे कि एक ये था कि वो भारत से ज़्यादा इंग्लैंड की क्वीन के लिए लॉयल्टी रखते हैं। साथ ही उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए कि वो कुछ लड़कियों को पसंद करते हैं। साथ ही पैसे का मिसयूज़ करने का भी उन पर आरोप लगाया गया। कुल मिलाकर 10 चार्जेस थे जो बिल्कुल ही बेबुनियाद और घटिया थे और कांग्रेस मिनिस्टर्स के मनगढ़ंत थे। एक तरफ जहां मानेकशॉ जैसे इंपॉर्टेंट आर्मी ऑफिशियल पर कांग्रेस के नेता ऐसे आरोप लगाकर उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चाइना इंडिया पर हमले की तैयारी कर रहा था और हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन लगातार इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को इग्नोर कर रहे थे। दोस्तों इस डिफेंस मिनिस्टर की लापरवाही इतनी थी कि 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद इसको डिफेंस मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया था। कुछ इस तरह एक इंसान की ईगो पूरे देश को एक वॉर कॉस्ट कर गई।
दोस्तों इसमें और ज़्यादा शर्म की बात तो ये है कि उनके फोर्स्ड रेजिग्नेशन के बाद भी प्राइम मिनिस्टर नेहरू उनको किसी तरह बचाना चाहते थे और कोई दूसरी पोस्ट दिलवा देना चाहते थे। खैर जब चाइना वॉर शुरू हुई तब मानेकशॉ कोर्ट प्रोसीडिंग्स के चलते इस वॉर में हिस्सा ना ले सके। इंडियन आर्मी को हर एंड पर बुरी तरह चाइनीज आर्मी हरा रही थी और इसी के चलते बीएम कॉल और कृष्णा मेनन दोनों को बैड प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के चलते अपनी पोस्ट से हटा दिया गया और नवंबर 1962 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने मानेकशॉ को वापस कमांड लेने के लिए बुलाया और नेहरू ने खुद सैम मानेकशॉ से माफ़ी भी मांगी। सैम मानेकशॉ ने आते ही पहले जवानों के मनोबल को बढ़ाया और सही लीडरशिप के साथ सभी को अग्रेसिव होने को कहा। इसके बाद अगले कुछ ही दिनों में इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया। इसके बाद वो नागालैंड में हो रही इंसर्जेंसी में भी आर्मी की बागडोर संभालने पहुंचे और वहां के कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व कराया। इसी के चलते उनको आगे चलकर पद्म भूषण से भी नवाजा गया। 1962 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई जिसमें भी सैम मानेकशॉ ने एक अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन जो सैम मानेकशॉ के करियर की हाईलाइट रही वो रही 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। इससे जुड़े किस्से मैं आपको आगे बताऊंगा। 1969 में सैम मानेकशॉ को इंडियन आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया जो कि इंडियन आर्मी की हाईएस्ट पोजीशन थी और इसके बाद पूरे देश की आर्मी के चीफ थे सैम मानेकशॉ। अपनी लीडरशिप में सैम ने आर्मी को एफिशिएंट बनाना शुरू करा, कई पॉलिसीज को निखारा और ओवरऑल पूरी आर्मी एक बहुत हेल्दी स्टेट में आ गई थी। ऐसे में ही जब उन्होंने एक गोरखा राइफल्स की बटालियन को विजिट करा तो वहां के एक सिपाही से पूछा कि तुम्हारे चीफ का नाम क्या है, तो सिपाही ने क्षण भर में कहा सैम बहादुर। दोस्तों यहीं से सैम मानेकशॉ को सैम बहादुर नाम मिला। फास्ट फॉरवर्ड टू 1971, अब देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और वो ईस्ट पाकिस्तान से जुड़ी रेफ्यूजी प्रॉब्लम से बेहद परेशान थी। दरअसल उस वक्त पर पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था, एक वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। ऐसे में जो पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप थी वो थी वेस्ट पाकिस्तान में, जो कि ईस्ट पाकिस्तान में जबरन क्राइम को बढ़ावा दे रही थी। ऐसे में बच्चों, बूढ़े और औरतों के साथ बदसलूकी बढ़ती जा रही थी। यहाँ क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोग ईस्ट पाकिस्तान से भागकर इंडिया आने लगे और यहीं से वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और असम जैसे स्टेट्स में रेफ्यूजी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो ईस्ट पाकिस्तान पर हमला करें और वहाँ के लोगों को लिबरेट करा सकें। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया और उनसे वॉर की तैयारी शुरू करने को कहा, लेकिन सैम मानेकशॉ ने साफ मना कर दिया। इस इंसिडेंट को लेकर कहा जाता है कि अप्रैल का वक्त था और दिल्ली में कैबिनेट की बैठक चल रही थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तमतमाते हुए उस वक्त के आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ से कहती हैं, ये देखिए असम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर्स के लेटर्स, आप क्या कर रहे हैं, वहाँ रेफ्यूजी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, ईस्ट पाकिस्तान से लगातार लोग आ रहे हैं, आप सेना ले जाइए और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। इस पर जवाब देते हुए सैम मानेकशॉ ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, हम अभी वॉर के लिए तैयार नहीं हैं, हमारे पास सिर्फ 12 टैंक्स हैं, वहीं हमारी आर्मी को भी अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सैम ने साफ कहा कि अगर अभी वॉर हुई तो देश को बहुत नुकसान होगा, हमें तैयारी का मौका दें, जब वॉर करनी होगी हम खुद बता देंगे। कहते हैं कि मानेकशॉ के ऐसे तीखे तेवर देखकर इंदिरा गांधी भी चुप हो गई थी। उस वक्त पर सैम मानेकशॉ ने युद्ध ना लड़ने के दो तर्क और दिए, एक तो ये कि मॉनसून आने वाला था जिससे बारिश उनके सारे एफर्ट्स पर पानी फेर सकती थी, वहीं जगह जगह पर पानी भरे होने से इक्विपमेंट और मिलिट्री को ट्रांसपोर्ट करना भी काफ़ी मुश्किल होगा। दूसरी वजह यह थी कि अगर ये टू फ्रंट वॉर बन जाती है तो ऐसा ना हो कि चाइना भी इसमें पाकिस्तान के सपोर्ट में कूद पड़े, फिर सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सही यही होगा कि हम सर्दियों का इंतजार करें, तब पूरी चाइना बॉर्डर पर स्नो होगी और बर्फ की वजह से वो चाहकर भी इस पार नहीं आ सकेंगे। ऐसे कैलकुलेटेड रीजंस बताकर सैम मानेकशॉ ने उस वक्त युद्ध लड़ने से मना कर दिया और उनसे तैयारी करने के लिए कुछ और वक्त मांगा। दोस्तों इन्हीं कैलकुलेशंस और फार साइटेडनेस से आप सैम मानेकशॉ की युद्ध नीति की समझ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगले कुछ महीनों तक आर्मी ने वॉर के लिए ट्रेन करा और बांग्लादेशी गोरिल्लास और ट्रूप्स को भी ट्रेनिंग दी। फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने इंडियन एयरफोर्स बेस पर अटैक करा और पाकिस्तान को इसका जवाब देना बेहद ज़रूरी था। इस वक्त पर कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से पूछा कि क्या अब हम वॉर के लिए तैयार हैं, तो सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को बड़े ही प्लेफुल तरीके से कहा, मैं हमेशा तैयार हूँ स्वीटी। एक तरफ जहाँ दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स इंदिरा गांधी के सामने कुछ कहने से भी डरते थे, आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ उन्हें स्वीटी कहकर बुलाते थे। खैर ये सब वो मजाकिया और प्लेफुल ढंग से ही करते थे और इसीलिए इंदिरा गांधी भी इन बातों को मजाक में डाल देती थी और वो ये भी जानती थी कि सैम मानेकशॉ जैसे काबिल लीडर के दम पर ही वो ईस्ट पाकिस्तान की जंग जीत सकती हैं, इसलिए वो उनके सारे नखरे सुनकर टाल देती थी।
इंडिया पाकिस्तान वॉर लड़ी गई और इंडिया के अग्रेसिव अटैक के सामने पाकिस्तानी आर्मी नहीं टिक पा रही थी। इंडिया ने जल्दी ही सभी बेहतर पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लिया और पाकिस्तानी फोर्सेस आइसोलेट होने लगी और यहीं से पाकिस्तानी फोर्सेस ने सरेंडर करना भी शुरू कर दिया। इस वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी, वहीं रशिया का सपोर्ट इंडिया की तरफ था। इसी के चलते पाकिस्तानी ट्रूप्स को एक के बाद एक मौके पर मुंह की खानी पड़ रही थी। सैम मानेकशॉ ने 9, 11 और 15 दिसंबर को ये अनाउंसमेंट्स करनी शुरू करी कि अगर पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर कर देती है तो उनको ऑनरेबल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और किसी भी प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं की जाएगी। उनके रेडियो मैसेज में उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा था, भारतीय फोर्सेज ने तुम्हें पूरी तरह से घेर लिया है, तुम्हारी एयरफोर्स तबाह हो गई है, तुम्हारे पास अब किसी भी तरह की मदद आने की कोई उम्मीद नहीं है, चिटागोंग, चालना और मांगला पोर्ट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं और कोई तुम्हें बचाने नहीं आ पाएगा, तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगी, मुक्ति वाहिनी और बांग्लादेश के लोग उन पर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए तैयार हैं, तुम अब सरेंडर कर दो, व्यर्थ में क्यों जीवन गंवाना, क्या तुम्हें अपने बच्चों के पास घर नहीं जाना, वक्त जाया ना करो, अब हार मानकर हथियार गिराने में कोई बुराई नहीं है, हम तुम्हें एक सोल्जर के जैसे ऑनर के साथ ट्रीट करेंगे। इसके बाद के कुछ दिनों में इंडियन फोर्सेज ने पाकिस्तान आर्मी की पूरी कमर तोड़ दी थी और 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद सैम मानेकशॉ ने इंडियन आर्मी को कड़े निर्देश दिए कि किसी भी तरह की लूटपाट नहीं होनी चाहिए और महिलाओं की सेफ्टी पर ध्यान दिया जाए और किसी भी तरह से किसी के भी साथ कोई बदसलूकी ना हो। इसी कारण से सरेंडर के बाद ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। इसके अलावा अब 94,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडिया के प्रिजनर्स बन गए थे, जहां सैम मानेकशॉ ने बहुत ध्यान दिया कि इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ कोई बदसलूकी ना हो, उन्हें सही तरह का खाना दिया गया और जहां कई दूसरे देशों की फोर्सेस प्रिजनर्स ऑफ वॉर को टॉर्चर करती हैं, वहीं इंडिया ने ऐसे किसी भी पाकिस्तानी प्रिजनर के साथ नहीं करा। सैम मानेकशॉ अपनी इसी कंपैशन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के आर्मी मैन के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। वॉर खत्म हुई और यहीं से ईस्ट पाकिस्तान अब लिबरेट होकर बांग्लादेश बना। दोस्तों, अब इसी से जुड़ा मैं आपको एक किस्सा भी बताना चाहूँगा। याद है मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे याह्या खान की बात करी थी, जो पार्टीशन के पहले सैम मानेकशॉ के साथ ही इंडियन आर्मी में थे और पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान चले गए थे। तो हुआ ये था कि वही याह्या खान आगे चलकर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और 1971 वॉर के वक्त वही पाकिस्तान के प्रेसिडेंट होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1940s के समय में सैम मानेकशॉ के पास एक US मेड मोटरसाइकिल हुआ करती थी। याह्या खान को वो मोटरसाइकिल बहुत पसंद थी और पार्टीशन के बाद पाकिस्तान जाते जाते मानेकशॉ से ये अमेरिकन मोटरसाइकिल उन्होंने ₹1,000 में खरीद ली, लेकिन उन्होंने इसके पैसे सैम मानेकशॉ को कभी नहीं दिए। समय बीतता गया, मानेकशॉ भारत के आर्मी चीफ बने तो पाकिस्तान में याह्या खान सरकार का तख्ता पलटकर राष्ट्रपति बन गए। फिर जब साल 1971 की जंग हुई तो पाकिस्तान के सरेंडर करने के बाद मानेकशॉ ने कहा था कि याह्या खान ने आधे देश के बदले में उनकी मोटरसाइकिल का दाम चुका दिया और इसीलिए कहा जाता है कि सैम मानेकशॉ ने एक मोटरसाइकिल या फिर ₹1,000 के बदले में आधा पाकिस्तान ही ले लिया। सैम मानेकशॉ की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1939 में उन्होंने सीलू बाडे से शादी करी और इनकी दो बेटियां भी हुईं। सैम बहादुर के मजाकिया अंदाज को लेकर उनकी बेटी माया दारूवाला ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि लोग सोचते हैं कि सैम बहुत बड़े जनरल हैं, उन्होंने कई वॉर्स लड़ी हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, तो घर में भी वो उतना ही रॉब जमाते होंगे और डिसिप्लिन में रहते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी पर्सनालिटी का एक दूसरा पहलू ये भी है कि वो एक बहुत प्लेफुल व्यक्ति हैं, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। वो हमारे साथ शरारतें करते हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं, कई बार तो हमें कहना पड़ता है कि डैड स्टॉप इट। जब वो कमरे में घुसते थे तो हमें ये सोचना पड़ता था कि अब ये क्या मजाक करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह का मस्त मौला और बहादुर जीवन जिया सैम मानेकशॉ ने। जनवरी 1973 में उनके रिटायरमेंट के वक्त उन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया, जिसके बाद सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के सर्वोच्च पद से सम्मानित होने वाले आज़ाद भारत के पहले सेना अधिकारी बने। आज भी भारतीय सैनिकों के लिए सैम मानेकशॉ एक इंस्पिरेशन है और उनके किस्से हर एक आर्मी रेजिमेंट में मशहूर हैं। अपनी हाजिर जवाबी, खुश मिजाजी और डिटर्मिनेशन के लिए जाने जाने वाले सैम मानेकशॉ सेना के मान सम्मान के लिए तो हमेशा ही तैयार रहते थे, अपने सैनिकों के हित के लिए भी वो किसी के भी सामने खड़े हो जाते थे। गोरखा रेजिमेंट की तरफ उनके प्यार और रिस्पेक्ट का पता उनकी कही सिर्फ एक बात से ही झलक जाता है। उन्होंने कहा था, अगर कोई सैनिक ये कहे कि वो मरने से नहीं डरता तो फिर या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है।
सैम मानेकशॉ ने 94 की उम्र में अपनी अंतिम सांसें ली। उन्हें न्यूमोनिया हो गया था और वो कोमा में चले गए थे, जिस वजह से 27 जून 2008 को उन्होंने इस दुनिया से विदा ली। उनके नज़दीकी लोगों ने बताया कि उनके आखिरी शब्द थे आई एम ओके। दोस्तों, आपका ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सैम मानेकशॉ का पूरा जीवन ही देश और आर्मी की तरफ डेडिकेटेड था, लेकिन ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की सरकार ने कभी भी उनको उस तरह सेलिब्रेट नहीं करा जिस तरह वो डिजर्व करते थे। उनके फ्यूनरल के लिए कोई बड़ा अधिकारी उन्हें श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और डिफेंस मिनिस्टर, ये सभी शायद उस दिन ज़्यादा ही बिजी थे और किसी भी तरह से उस वक्त की कांग्रेस सरकार की तरफ से उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया। ये बेहद ही शर्म की बात है कि मनमोहन सिंह की सरकार ने उन्हें उनकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी, और इस पर कई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि ये एक शेमफुल मूवमेंट है। आपका इस पर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये वो सभी अवार्ड्स हैं जिनसे वो सम्मानित किए गए थे और ये उनके आर्मी करियर के प्रोग्रेशन की एक्यूरेट टाइमलाइन है। वैसे एक बात बताऊँ, सैम मानेकशॉ जैसी शख्सियत को सिर्फ एक वीडियो में बयां कर पाना काफ़ी मुश्किल है, और इसीलिए मैं खुद भी सैम मानेकशॉ पर बनी फिल्म सैम बहादुर को देखने जाऊँगा। आपका उस फिल्म के बारे में क्या ओपिनियन है हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि कहानी सैम मानेकशॉ की, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और अगर आप इसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।